सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के बेटे की कोरोना से मौत हो गई है। येचुरी ने गुरुवार को खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कोरोना के कारण उनके बड़े बेटे आशीष येचुरी का गुरुवार सुबह निधन हो गया। येचुरी के बेटे का अस्पताल में इलाज चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक येचुरी के बेटे आशीष की उम्र करीब 35 साल थी। उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 2 हफ्ते से उनका इलाज चल रहा था। हालांकि स्थिति गंभीर होने पर उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया, बेहद दुख के साथ यह बताना पड़ रहा है कि कोरोना के कारण मैंने अपने बड़े बेटे आशीष येचुरी को खो दिया। मैं उन सभी का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने हमारी उम्मीद बांधे रखी और जो डॉक्टर्स, नर्स, फ्रंटलाइन हेल्थ केयर, सैनिटाइजेशन वर्कर्स इस परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहे। सीपीएम के पोलित व्योरो ने भी बयान जारी कर येचुरी के बेटे के निधन पर शोक जताया है। सीपीएम पोलिस व्योरो के बयान में लिखा है कि बड़े दुख के साथ हमें सीताराम येचुरी और इंद्राणी मजुमदार के बेटे आशीष येचुरी के निधन की जानकारी देनी पड़ रही है। कोरोना संबंधी समस्याओं की वजह से उनका निधन हुआ। वह 35 साल के थे। दुख के इस घड़ी में पोलित ब्यूरो की संवेदनाएं उनकी पत्नी स्वाति, बहन अखिला और माता पिता सीताराम इंद्राणी के साथ है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।